हेलो दोस्तों, सरकारी जॉब खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर आ गए हैं बिहार डाटा एंट्री ऑपरेटर में आई नई भर्ती 2021 से संबंधित। तो जो बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको बेल्ट्रॉन कहते हैं, उसके तरफ से आई भर्ती के बारे में, जिसमें कुल पद जो है 3738 है तथा योग्यता जो है 10+2 रखा गया है, 12वीं पास रखा गया है। तो बने रहिएगा वीडियो मंथ तक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको ले चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक पेपर कटिंग के माध्यम से आपको दिखाते हैं। कहता है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3883 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन सभी पद तभी भरे जाएंगे जब सरकार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ये जो कह रहा है कि जब तक कोरोना की स्थिति सुधरेगा, राज्य कैबिनेट में इस पदों के सृजन और नियुक्ति हेतु मंजूरी मिल गई है। राज्य के कैबिनेट से जो है इन पदों की नियुक्ति हेतु क्या जो है मंजूरी जो है मिल गई है। विभाग में इन नियुक्तियों के लिए जो आदेश जारी किया है, उनमें साफ कहा है कि अभी कम से कम जितने जरूरत पदों की जरूरी है होगी वही भरी जाएंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि राज्य संधान में वर्तमान स्थिति में के आलोक में नियुक्तियां होगी फिलहाल आउटसोर्सिंग, जिसको जो है कहते हैं कम आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्ति होगी। जिसको आउटसोर्सिंग किसको कहा जाता है, तो यह जो है किसी कंपनी को दिया ठीका दिया जाता है, जिसमें इसमें इस बार बेल्ट्रॉन को ठीका मिला हुआ है। को इसी बेल्ट्रॉन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है सभी पदों को भरने पर। राज्य सरकार के खजाने में सालाना 1.5 अरब रुपये से अधिक का बोझ पड़ेगा। स्वीकृत पदों में सबसे अधिक 3738 डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद ऑपरेटर होगी, जिसमें 534 अंचलों में 7-7 संख्या में तैनात की जाएगी। जिसमें जो है डाटा ऑपरेटर के कितना पदों की 3738 पदों की बहाली होगी, जो 534 अंचलों में होगा। प्रत्येक अंचल में जो है 7-7 डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है बहाली किया जाएगा तैनात की जाएगी। 4 मॉडर्न रिकॉर्ड रूम में और 3 अंचल में, कहाँ कहाँ 4 जो है मॉडर्न रूम में और रिकॉर्ड रूम में तथा 3 जो है अंचलों में जो है बहाली की जाएगी। तैनात हुई अनुमंडल और जिला स्तर पर एक एक डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्ति होगी, इसकी संख्या 139 है। मुख्यालय स्तर पर जो है सिस्टम एनालिस्ट का एक और प्रोग्राम में 5 पदों पर बहाली होगी। सिस्टम एनालिस्ट को वेतन एवं भत्ता में सालाना करीब 11 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। उसके बाद जो है कहता है प्रोग्रामरों का मूल वेतन 47,600 और अनुमंडल में निजी तैनात डाटा एंट्री ऑपरेटर की मासिक मूल वेतन जो है 35,400 रखा गया। अंचलों में डाटा एंट्री ऑपरेटर का मूल वेतन जो 25,500 रुपया जो है रखा गया है। उसके बाद देखते हैं रखा गया है और मूल वेतन पर जो है उस मूल वेतन पर अंचलों में डाटा एंट्री ऑपरेटर का मूल वेतन 25,500 रुपये रखा किया तय किया गया। मूल वेतन पर 17% महंगाई भत्ता भी दे होगा। सभी पदों में मासिक चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपये निर्धारित किया गया है। सीधा सीधी साफ बात है दोस्तों कि ये जो है आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है कितना 3738 पदों पर जो है वैकेंसी आने वाली है, उसमें यह जो है बेल्ट्रॉन कंपनी को दिया गया है। तो यह बेल्ट्रॉन कंपनी जो है इसमें आपको जो है सारे प्रक्रिया करवाएंगे। तो अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जल्द से जल्द शुरू होगा। तो चलिए इसका जो है जान लेते हैं क्या प्रोसेस है इस बहाली का। इस बहाली में सबसे पहले होगा आपका क्या होगा दोस्तों, फॉर्म भराएगा कौन, बेल्ट्रॉन कंपनी फॉर्म भरवाएगा कौन। बेल्ट्रॉन कंपनी आपको फॉर्म भरवाएगा। उसके बाद फॉर्म का फी जो है 1,000 रुपया रखा है, अगले साल जो है 1,000 रुपया फॉर्म का फी रखा गया था, जो आपको कॉरपोरेशन बैंक के द्वारा जो है ड्राफ्ट बना के आपको फॉर्म भरना था। जैसे ही आपको
फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद जो है एग्ज़ाम का जो है एडमिट कार्ड जारी करेगा। क्या जारी करेगा? एडमिट कार्ड जारी करेगा। उसके बाद आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप से, आपका वस्तुनिष्ठ टाइप से आपका जो है क्या करेगा, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से एग्ज़ाम लेगा जिसमें सीबीटी एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है आपको जारी करेगा। जो स्टूडेंट कट ऑफ पार कर गए होंगे, वो कट ऑफ पार करने के बाद जो है आपको फिर दोस्तों आपको जो है टाइपिंग के लिए, किसके लिए, आपको टाइपिंग के लिए जो एडमिट कार्ड फिर से देगा। क्या देगा? टाइपिंग के लिए एडमिट कार्ड फिर से देगा जो स्टूडेंट कट ऑफ पार कर रहे हैं। और उसके बाद जो है आपको टाइपिंग के लिए एडमिट कार्ड देगा, फिर आपका जो है क्या होगा, आपका टाइपिंग होगा। जैसे ही टाइपिंग का कुछ क्राइटेरिया होगा, उसमें आपको सबसे पहले आपको इंग्लिश टाइपिंग लेगा। क्या लेगा? आपको जो है इंग्लिश टाइपिंग लेगा। आपको इंग्लिश टाइपिंग जो है सबसे पहले इंग्लिश टाइपिंग लेगा, और इंग्लिश टाइपिंग के बाद जो है आपको फिर जो है आपको हिंदी टाइपिंग लेगा। क्या लेगा? आपको हिंदी टाइपिंग लेगा। उसके बाद जो है आपको जैसे ही दोनों टाइपिंग का प्रक्रिया होगा कुछ जो है इसका, उसके बाद जो आप उसका क्या करेगा, रिजल्ट जारी करेगा। क्या करेगा? रिजल्ट उसका जो है जारी करेगा, और देखेगा कितना स्टूडेंट जो है इस क्राइटेरिया कट ऑफ मार्क से ऊपर हैं। तो कट ऑफ मार्क से जितना स्टूडेंट ऊपर होगा, कट ऑफ मार्क से ऊपर होगा सारे स्टूडेंट को जो है क्या करेगा, डीवी के लिए बुलाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों यह बड़ा ही सुनहरा मौका है, आप जो इसको ज़रूर से ज़रूर फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और आपका जो है फाइनल सिलेक्शन लगभग समझिए अगस्त के तीसरे सप्ताह तक जो है होने की पूरा संभावना है। तो अभी फॉर्म ऐसे नहीं आया है, लेकिन जल्द से जल्द इसका जो है फॉर्म आने वाला है। तो आप जो है हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, काहे तो हम जो अपडेट, जो भी बिहार संबंधित अपडेट होता है, सबसे पहले हम अपने चैनल पर लेकर आते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।